गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं लेकिन एग नहीं आ रहे हैं, एग नहीं बन रहे हैं, ओविलेशन पता नहीं चल रहा, वो रीज़न पीसीओडी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। लेकिन पूरी तरह से अपने शरीर को एकदम ट्यून कर लेना कि कंसेप्शन बहुत जल्दी हो, इसके लिए आज मैं 7 अमेजिंग आइडियाज़ बताने वाली हूँ जो रिसर्च बेस्ड हैं और बहुत ही फ़ायदे की हैं आप सभी के लिए। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। उम्मीद करती हूँ चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन किया है। फ्रेंड्स, हर रविवार आप सभी के बहुत सारे जो सवाल होते हैं जिनको मैं कमेंट में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, उनके जवाब मैं अपने संडे स्पेशल एपिसोड में देती हूँ। तो आप संडे को वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मेरे किसी वीडियो में नहीं है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, आपके सवाल को हम प्रायोरिटी देंगे। आज हम जानने वाले हैं कि वो 7 टिप अमेजिंग टिप्स क्या हैं जो ओविलेशन स्टिमुलेट करती हैं और प्रेग्नेंट होने के चांसेस को काफ़ी हद तक बढ़ा देती हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले टिप, स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो महिलाएं 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेती हैं उनका FSH लेवल, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हार्मोन पीरियड के पहले दिन से बनना चालू होता है और आपके एग को मैच्योरिटी तक लाता है, वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्योंकि स्लीप लेने से आपकी ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ जाती है, FSH का रिलीज बहुत अच्छा होता है और एग अच्छे से मैच्योर होते हैं और ओविलेशन समय पर होता है, इसलिए अपनी स्लीप साइकिल ठीक कीजिए। अब स्लीप साइकिल में इशूज़ क्या आती हैं, क्या गलतियाँ हमसे हो रही हैं? सबसे पहली, आजकल मोबाइल हाथ से नहीं छूटता, तो शाम के बाद जब आप घर आते हैं 7-8 बजे के बाद मोबाइल को थोड़ा अलग रख दें ताकि आप खुद को समय दे सकें। व्हाट्सअप देखना, सोशल मीडिया पे लगे रहना पूरे समय ये ज़रूरी नहीं है, दिन भर आप कर सकते हैं, लेकिन सोने से कम 1-2 घंटे पहले थोड़ा सा डिजिटल एक्सपोजर को कट कर दीजिए। लेट नाइट तक टीवी देखते हैं तो वो भी गलत है। टिप नंबर 2 है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ज़रूर करें। कई लोगों को अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है तो क्या कर सकते हैं आप, शाम को अगर आपके पास वक्त है, एम्प्टी स्टमक है, तो आप ज़रूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी में एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, साथ ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। ये आपको शुगर प्रॉब्लम में, PCOD के केसेस में, कंसीव करने में बहुत हेल्प करता है। डाइट के साथ अगर ये जोड़ देते हैं बहुत जल्दी नतीजे आते हैं। इंसुलिन और एस्ट्रोजन का स्ट्रक्चर सेम है, तो अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो बॉडी देखेगी कि सेम स्ट्रक्चर है तो वो एस्ट्रोजन कम बनाएगी, और एस्ट्रोजन नहीं बनेगा ठीक से तो एग का प्रोडक्शन, एग मैच्योर नहीं होगा। इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है साइंटिफिकली। तीसरी चीज़ है हेल्दी डाइट। कोई भी रेसिपी हमको बनानी होती है तो कम से कम 4-5 से 6 इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं हमको, जिससे कि वो रेसिपी बनेगी। अब अगर बॉडी को आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स, विटामिन डी भी बहुत इसेंशियल है, विटामिन ई भी बहुत इसेंशियल है, तो अगर आप कुछ रॉ मटेरियल लेंगे ही नहीं अपनी डाइट में, चाहे आप खान पान से लें, बैलेंस डाइट से लें, या फिर कमी है अगर ज़्यादा आपको, डिफिशियंसी है आपको, तो सप्लीमेंट से लें, जो कि कई सारे प्राकृतिक सप्लीमेंट के बारे में आपको बताती रहती हूँ। मेरे डाइटरी सजेशंस के जो वीडियो हैं उनको आप YouTube सहेली चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कई सारे वीडियोस की लिंक दी हुई है। अब बात आती है सप्लीमेंट की, तो सप्लीमेंट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? कई चीज़ें ऐसी हैं जो शरीर में या तो डायरेक्टली बनती नहीं है, या फिर बनती भी है या हम डाइट में लेते भी हैं तो कम होती हैं, पर्याप्त नहीं होती, जो गाइडलाइंस हैं, जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है हर दिन की उतनी नहीं होती है। जैसे कि विटामिन सी है, विटामिन सी हर दिन खानी पड़ती है, बॉडी स्टोर नहीं करती विटामिन सी को, विटामिन डी का सिंथेसिस सही से नहीं हो पाता, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो उसके लिए ना आपको कुछ सप्लीमेंट लेने होते हैं। हमारे कई सारे व्यूअर्स ने हमको फीडबैक शेयर किया कि मल्टीविटामिन्स जो हमने सजेस्ट किए थे उनको, उसको लेकर उन्होंने बहुत आसानी से कंसीव किया है। तो मल्टीविटामिन का रोल है ताकि अच्छी क्वालिटी का एग बने और अच्छे से टाइमली मैच्योर हो, तभी तो ओविलेट होगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, स्ट्रेस। जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, एड्रिनल फंक्शन अफेक्ट होती है, ब्रेन फंक्शन अफेक्ट होता है, इम्प्लांटेशन रेट घटती है, यूट्रस लाइनिंग सही से नहीं बन पाती है, आपका थायराइड लेवल फ्लक्चुएट होता है, बहुत सारे हार्मोन अफेक्ट हो जाते हैं। स्ट्रेस से बचें, अगर आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो शरीर को आप अंदर से मजबूत बना रहे हैं ताकि वो स्ट्रेस से लड़े, लेकिन अपने स्वभाव से भी स्ट्रेस निकालें। कैसे? दिन काउंट करना, इस दिन ओविलेशन होगा, इस दिन इम्प्लांटेशन होगा। प्रकृति को हम पढ़ नहीं सकते, हम शरीर को सपोर्ट कर सकते हैं, शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति की ट्यून में आ जाएं ताकि प्रकृति को अपने ट्यून में लाने की कोशिश करें। स्ट्रेस से बचें, प्राकृतिक जीवन जिएं। अगली महत्वपूर्ण बात, ये कुछ नो टाइप बात है कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और बहुत ज़रूरी है, जैसे कि शुगर। ओविलेशन बाधित होता है अगर बॉडी में शुगर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए जिन महिलाओं को कॉम्प्लिकेशन हो रहा है प्रेग्नेंट होने में, दिक्कत हो रही है, तो वो पीरियड्स के बाद से वाइट शुगर
को यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर उनको कुछ मीठा यूज़ करना है, थोड़ा सा नेचुरल हनी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा गुड़, बिना केमिकल का गुड़ यूज़ कर सकते हैं। गुड़ को पीला और भूरा बनाने के चक्कर में उसमें केमिकल मिलाए जाते हैं, तो आप ऑर्गेनिक गुड़ को थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं मीठे के लिए। बहुत ज़्यादा गुड़ बेकरी आइटम्स इन्फ्लामेशन लाते हैं बॉडी पर, इसलिए बेकरी आइटम्स को यूज़ ना करें। अगर इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है तब तो बिल्कुल भी ना करें। कॉफ़ी आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन ना करें। एडिक्शन भी आता है धीरे धीरे, क्वांटिटी कम करते करते बिल्कुल उसको कट कर दे लाइफ से। ग्रीन टी लें, फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छी डिलीशियस टी होती हैं जिनके बारे में मैंने बताया है, आप उन टी का सेवन कर सकते हैं। सातवीं महत्वपूर्ण बात कि अपनी बॉडी को ट्रैक करें, कब डिस्चार्ज आ रहा है, फर्टाइल डिस्चार्ज कब आ रहा है, इनफर्टाइल डिस्चार्ज कब आ रहा है, क्या इन्फेक्शन के साइन तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन अक्सर साइलेंट होते हैं। आपको कभी कभी रह के ज़्यादा बॉडी का पीएच डिस्टर्ब होगा तो थोड़ी इचिंग बर्निंग लगेगा, बाकी वो साइलेंट हो जाएगा और बॉडी में एग्जिस्ट करता रहेगा। तो अगर आप बॉडी को ट्रैक नहीं करेंगे, बॉडी को समझेंगे नहीं, खुद को एजुकेट नहीं करेंगे, तब फिर कंसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी, आप दवाएं खाते रहेंगे और एक विशियस साइकिल में पड़े रहेंगे। इसीलिए YouTube सैली चैनल पे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो हैं जो आपको साइंटिफिक बातों को सरल भाषा में आप तक लेके आती हूँ मैं, उन्हें देखें। अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस को YouTube सहेली नाम से सर्च करें, प्लेलिस्ट में जाएं, खुद को एम्पावर करें नॉलेज से। उम्मीद करती हूँ कि इन सारी चीज़ों को फॉलो करने से आपकी कॉन्सेप्शन जर्नी बहुत ही छोटी और बहुत ही आसान हो जाएगी। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।